दमोह शहर के जटाशंकर धाम में मकर संक्रांति के मौके पर रविवार को 3 दिवसीय मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मेले में शामिल हुए और भगवान भोलेनाथ के दर्शन कर उनका पूजन अर्चन किया। यहां पर यह मेला करीब 200 सालों से आयोजित हो रहा है। पहले मेले की भव्यता काफी अधिक थी, लेकिन अब आधुनिकता की दौड़ के कारण मेले का स्वरूप छोटा होता जा रहा है। हालांकि इस मेले में आज भी लोगों की काफी भीड़ पहुंची है। शहर के अलावा ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी इस मेले में पहुंचते हैं और मेले का आनंद उठाते हैं। सुबह ही जटाशंकर धाम के शिवालय में बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे, बुजुर्ग भगवान भोलेनाथ का पूजन अर्चन करने के लिए पहुंचे। मंदिर के पुजारी राष्ट्रीय पाठक ने बताया कि मेला करीब 200 साल पहले से आयोजित हो रहा है। मकर संक्रांति का पर्व महत्वपूर्ण होता है। लोग भगवान भोलेनाथ का पूजन कर अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करते हैं। इस दिन लोग सुबह से ही नदी तालाबों में स्नान करने के बाद भगवान का पूजन अर्चन करते हैं। इस मेले में दमोह जिले के अलावा दूसरे जिले के लोग भी अपने दुकान लेकर पहुंचते हैं। मेले में कई प्रकार के झूले भी लगाए जाते हैं और कई मनोरंजन की सामग्रियां उपलब्ध रहती हैं। सर, मकर संक्रांति 14 तारीख को आती है, लेकिन इस बार 15 तारीख को आई है और प्रातः काल से लेकर शाम तक इसका पुण्य काल माना गया है। तो प्रातः काल से ही भक्त लोग बड़ी संख्या में यहाँ पर पधार रहे हैं, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और दूध दही की शक्कर शहद आदि से अभिषेक कर रहे हैं। यह बड़े सौभाग्य की बात है कि आज मौसम भी बड़ा साथ दिया। मौसम के अच्छे होने के कारण, कोई धुंधलाहट होने के कारण, धूप ना होने के कारण भक्त बहुत अधिक संख्या में आज यहाँ मंदिर पर पधारे हैं, आए हैं और भगवान के दर्शन करके लाभ प्राप्त किया है।